हेलो फ्रेंड्स, आई एम केपी वंजारा। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ इको फुल सर्विस किस तरह से की जाती है और क्या क्या करना होता है हमें, जैसे कि इंजन ऑयल है, गियर ऑयल है, डिफरेंशियल ऑयल है, एयर फिल्टर है, प्लग्स वगैरह, आगे के ब्रेक पैड है, कैसे चेंज करते हैं और किस तरह से किया जाता है, फुल सर्विस में क्या क्या चीज़ जाती है और किस तरह से की जाती है, सारी की सारी डिटेल देने वाला। तो अंत तक देखिए, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो मारुति सुजुकी इको, इसकी मैं फुल सर्विस करने वाला हूँ। फुल सर्विस में क्या क्या चीज़ें आती है इसमें, जैसे कि इंजन ऑयल हमें चेंज करना होता है, गियर ऑयल हमें चेंज करना होता है, डिफरेंशियल ऑयल हमें चेंज करना होता है, जैसे कि हमें कूलेंट चेंज करना होता है, प्लग साफ करना होता है, फोर व्हील हमें सर्विस करना होता है, इसमें लाइटें सारी की सारी हमें चेक करनी होती है, क्लच ब्रेक वगैरह हमें चेक करना होता है। तो ये फुल सर्विस की सारी डिटेल आपको बिताने वाला हूँ मैं। अंत तक देखिए, इस वीडियो को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। चलिए, फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा इंजन ऑयल निकालना। इंजन ऑयल कैसे निकालते हैं, देखिए ये जो बोल्ट दिया हुआ हमें, वो बोल्ट हमें निकालना है और इस तरह से इंजन ऑयल हमें निकालना पड़ता है। ये देखिए इंजन ऑयल, आप देख सकते हो इंजन ऑयल ये जो निकल रहा है इंजन ऑयल है, और ये वाला फिल्टर, इसका ऑयल फिल्टर इसे कहते हैं। जब हम इंजन ऑयल चेंज करते हैं तो साथ में हमें ऑयल फिल्टर भी चेंज करना होता है। ओके, चलिए अब स्टेप टू की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो कॉक हम खोल रहे हैं वो गियर ऑयल का कॉक है, तो यहाँ से हमें निकालना होता है। ध्यान से देखिए, जो गियर बॉक्स है इसे हम कहते हैं गियर ऑयल चेंज करना। गियर ऑयल चेंज कहाँ से करते, कहाँ से निकालते, इस तरह से हम निकालते हैं गियर ऑयल, देखिए ध्यान से। ओके, इस तरह से हमें निकालना है गियर ऑयल, यहाँ पे देखिए। ओके, ये गियर ऑयल जो पुराना होता है वो निकल रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे स्टेप थ्री की तरफ, क्या करना होता है हमें। ये जो आप देख सकते हो डिफरेंशियल है, इसे डिफरेंशियल कहते हैं, और ये जो हम खोल रहे हैं इसे डिफरेंशियल नीचे जो आता है इसे कोक होता है, ये कोक हमें खोलना आता है, तब जाके हमारा जो डिफरेंशियल ऑयल होता है वो निकलता है। तो इस तरह से हमें खोलना होता है डिफरेंशियल कोक। चलिए इसे निकालते हैं ऑयल और आपको बताता हूँ किस तरह से। ये देखिए ऑयल निकल, देखिए एयर आ रहा है। अब हमें ऊपर की तरफ खोलना होता है ताकि जो हमारा ऑयल एयर जो होता है वो निकल जाए और फटाफट से निकले। देखिए जैसे ही हमने ऊपर वाला कॉक निकाला, जैसे ही एयर उसमें निकल गया, ऐसे ही तुरंत अच्छी तरह से निकल रहा है। ओके, देखिए न्यू ऑयल फिल्टर। जब हम इंजन ऑयल चेंज करते हैं तो हमें इसे चेंज करना ही होता है, सारा का सारा एमरी इसी में होता है। अगर आप इंजन ऑयल चेंज करते हो और अगर इसे चेंज नहीं करते तो कोई मतलब नहीं। चलिए आगे बढ़ते, और ये आप देख सकते हो गियर ऑयल, इसे हमें गियर में और डिफरेंशियल में चेंज करना होता है, सेम ही ऑयल होता है ये। चलिए आपको बताता हूँ ऑयल फिल्टर हमें कहाँ बिठाना होता है। इस जगह पे हमें ऑयल फिल्टर बिठाना होता है न्यू। ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कॉक दिया हुआ है, ऊपर से हमें जब इंजन ऑयल चेंज करना होता है इसे हमें खोल के इसके अंदर हमें डालना होता है इंजन ऑयल, यहाँ पे देखिए। ओके, अब हमें इस तरह से रखना होता है गर्नी, और इसके बाद हमें ऊपर से डालना होता है इस तरह से, देखिए ध्यान से देखिए, इस तरह से हमें डालना होता है इंजन ऑयल। और ये जगह आती है परफेक्ट जगह, कहाँ से हमें डालना, तो यहाँ से। आपकी काफ़ी कमेंट आती है कि सर हमारा इंजन ऑयल कहाँ से डालता है, कहाँ से नहीं। तो देख, आपकी कार में अगर टॉप अप करना है इंजन ऑयल तो भी यहाँ से टॉप अप कर सकते, जब चेंज कर दे तो भी हमें यहाँ से ही डालना होता है। ओके, ध्यान से देखिए। अब मैं आपको बताऊँगा गियर ऑयल किस तरह से डाला जाता है, किस तरह से नहीं। देखिए, पहले तो हमें पाइप लेना होता है और एक गर्नी लेना होता है, और इस तरह से हमें डालना होता है, देखिए ध्यान से। चलिए नीचे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये जगह है जहाँ पे हम गियर ऑयल की पाइप डालते हैं, और वहाँ से हमें उसके थ्रू हम ऊपर से डालते हैं, तब हमारे गियर के अंदर ऑयल पहुँचता है। ओके, देखिए ध्यान से, इस तरह से डाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको बताता हूँ कि नया वाला डिफरेंशियल ऑयल किस तरह से डाला जाता है। तो हमें देखिए, इस तरह से पाइप हमें डिफरेंशियल के अंदर डालना है। ओके, और इस तरह से ऊपर गर्नी रखना होता है और उसके अंदर हमें ऑयल टॉप अप करना होता है। देखिए इस तरह से हमें ऑयल टॉप अप करना होता है। ये जो जगह आपको बताता हूँ, देखिए ये परफेक्ट जगह है। चलिए बाहर थोड़ा सा निकालिए, आप बताइए ये वाला, यहाँ पे परफेक्ट डालने का जो परफेक्ट होल है यहाँ पे वो हमें डालना होता है पाइप हमारा, और इस तरह से हमें डालना जाता है इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एयर फिल्टर की तरफ, किस तरह से हमें चेंज करना होता है। देखिए ये जो एयर फिल्टर का बॉक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्लिप दिया होता है, चार क्लिप दिया होता है, उसे हमें पुश करके निकालना होता है। उसके बाद ये ऊपर की ओर करना होता है, और इसके अंदर देख सकते हैं आप यहाँ पे एयर फिल्टर आता है, उसे निकालना होता है। अब देखिए इसमें कितना मिट्टी आ जाता है, तो हमें क्या कुछ टाइम के बाद इसे चेंज कराना ही होता है। देखिए ये देखिए कितनी मिट्टी है, और ये देखिए ये न्यू वाला है। ओके, तो इसे हमें लगा देना है इस कार के अंदर, उसे धूल मिट्टी साफ करके इसे लगा देना है। चलिए ये भी स्टेप भी कंप्लीट हो गया, आगे बताता हूँ आपको। यहाँ से हमें
प्लग्स खोलने होते हैं, जो हमारे कार के प्लग होते हैं वो उसे खोलना होता है। ये देखिए प्लग, इसके जो प्लग होते हैं उसे चेक करना होता है कि भाई सही है या नहीं। अगर सही हो तो ठीक है, नहीं सही हो तो हमें चेंज कर देना होता है। ओके, इस तरह से हमें चेंज कर देना होता है। यहाँ से हमें टाइट भी कर देना होता है, खोल के यहाँ से निकल के टाइट कर देना होता है। आगे बढ़ते तो आपको बताता हूँ आगे जो फ्रंट व्हील है उसे हमें कैसे सर्विस करना होता है, किस तरह से नहीं करना। पहले तो हमें इस तरह से व्हील निकालना होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको। उसके बाद हमें इसे खोलना होता है, इसे कैलिबर कहते हैं, अगर देसी भाषा में बोले तो इसे कैलिबर कहते हैं। देखिए फ्रंट का दोनों तरफ का आपको बिठाया, थोड़ा घुमाइए। ओके, देखिए इस तरह से हमें निकालना था। इसमें 12 नंबर के बोल्ट लगे होते हैं, इसे खोल के हमें आगे निकाल, ये जो आप देख सकते हैं लाइनर है, इसे भी हमें चेक कर लेना था कि लाइनर सही है या नहीं। अगर सही घिस गए होते तो हमें इसे चेंज कर देना, अगर नहीं घिसे तो हमें वापस इसे सर्विस करके इसे डाल देना होता है। और जो प्लेट देख सकते हो डिस, इसे भी हमें देखना होता है कि अगर घिसा होता है तो इसे कट मार के हमें लगाना होता है नए लाइनर के साथ। तो आप देख सकते हो ये सही है तो हमें इसे वापस लगा देना होता है। और इसकी जो पिन होती है उसे हमें कैलिपर पिन कहते हैं, उसे भी हमें सर्विस करना होता है। किस तरह सर्विस करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो ब्रेक्स पैड होते हैं उसे हमें साफ करने के लिए पहले तो हमें उसे कांच पेपर मारना होता है। ओके, तो इस तरह से कांच पेपर मारा जाता है ताकि वो क्लीन हो जाए पूरी तरह से। और इस तरह से वापस हमें बिठा देना होता है ब्रेक पैड्स, और इसमें से हल्का हल्का हमें कांच पेपर मार लेना होता है ताकि जो भी घिसी में जो भी काट वगैरह आया हो उसे साफ़ हो जाए। देखिए कैलिबर हमने छुट्टा कर दिया। और इसे आपको पिन किस तरह से ग्रीसिंग किया जाता है, देखिए पिन इस तरह से निकाल के हमें ग्रीस लगा देना है उसमें, और उसके बाद हल्का सा ऑयल भी छोड़ देना है और ग्रीस भी, ग्रीस ज़्यादा मायने में छोड़ना है ताकि वो टाइट रहे और वर्किंग कर सके। जब हम ब्रेक पैड सर्विस करते हैं तो इसे सर्विस करना ही होता है ताकि हमारा कैलिबर ठीक तरह से काम कर सके। और इस तरह से हमें बिठा देना होता है यहाँ पे, देखिए। अब हम नीचे की ओर बढ़ेंगे और नीचे की पिन जो कैलिबर पिन होती है उसे निकालेंगे और इसे पूरी तरह से साफ़ करके उसे लगाएंगे ग्रीस वगैरह। तो इस तरह से कैलिबर पिन को हमें साफ़ करके ग्रीसिंग करना होता है, देखिए इस तरह से ग्रीसिंग कर लेना है आपको, बाहर और अंदर दोनों तरफ ग्रीसिंग कर लेना है ताकि हमारे जब कैलिबर जब ब्रेक्स मारे हम तो फ्री मूवमेंट होना चाहिए। ओके, अब होने हो जाने के बाद हमें फिर से हमें व्हील लगा देना है, इस तरह से हमें बिठा देना है व्हील। चलिए हो गया। ओके, ये सब होने के बाद इस तरह से हमें टाइट कर लेना है फुल टाइट ताकि हमारा व्हील चालू में निकले ना। ओके, कार रिलेटिव कोई भी आपको टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस टाइप का वीडियो मिल जाएगा। ओके, और मेरे इंस्टाग्राम के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, उसे भी फॉलो कीजिए। इसी तरह के न्यू न्यू टॉपिक पे वीडियो लाते रहता हूँ मैं आपके लिए। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।